Hey guys, welcome back to another video of Riding Waves. But उसके पहले ये है आम जिंदगी, स्टाइल मारना जरूरी है, ये है मेंटोस जिंदगी। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैं आज लेके आया आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा रिव्यू। तो हम आज कर रहे हैं रिव्यू FZ वर्जन 3। ये गाड़ी बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए जानी जाती है। तो इसका थर्ड जनरेशन आ चुका है वर्जन 3 FZS। इनके प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा इनकी प्राइस, कलर और उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो चलिए अभी करते हैं इनका वॉक अराउंड वीडियो और एग्जॉस्ट साउंड आपको मैं सुनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं अभी आपको गाड़ी का पूरा व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा गाड़ी का एग्जैक्ट लुक कैसे दिखता है। तो बहुत ही खूबसूरत बाइक दिया है, FZ25 वर्जन जैसा ये लोग ने लाइट दिया है, बिल्कुल FZ25 जैसी लग रही है बाइक। तो बिल्कुल चेंज, बहुत ही अच्छे चेंजेस किए हैं गाड़ी में। गाड़ी के टैंक साइड में भी देखेंगे आप लोग, फेक एयर इंटेक दिया है विद क्रोम फिनिश। तो ये सब ऑप्शनल है, आप अगर ब्लैक में चाहोगे तो ब्लैक में भी मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत चेंजेस किए हैं और यहाँ पे इंजन गार्ड भी एक्स्ट्रा दिया है। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, जब भी आप लॉन्ग टूर करोगे वहाँ पर बहुत काम आती है। तो अभी देखते हैं इसका अलॉय व्हील। अलॉय व्हील में भी बहुत ही अच्छे खूबसूरत चेंजेस किए हैं। अलॉय व्हील में बहुत ही अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन ये लोगों ने अच्छा इंट्रोड्यूस किया है इसमें। सो अभी आगे ऊपर देखते हैं इसका लुक कैसे दिया है। तो कंसोल में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस किए और चाबी का जो पोजीशन है वो भी चेंज करके यहाँ से यहाँ के ला के रख दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। तो अभी चालू करते हैं इसका कंसोल और कंसोल मीटर में देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें ये लोग ने ऐड की है। तो दिस इज़ द फुल्ली डिजिटल कंसोल। सो यहाँ पे दिया है गियर इंडिकेटर, ABS। सो दिस बाइक कम्स विद सिंगल चैनल ABS। तो ये है ABS, साइड इंडिकेटर लाइट्स, देन योर अपर लाइट, इंजन ऑयल लेवल, रिसेट स्विच और यहाँ पे चाबी का स्लॉट। सो बाइक का बहुत ही अच्छा और खूबसूरत एग्रेसिव लुक दिया है। बाइक बहुत ही खुल के और बहुत ही स्पोर्टी लुक दिया है। सो यहाँ पे अब आपको सामने से देखोगे तो बिल्कुल स्पोर्टी और सुपर बाइक जैसा लुक आ रहा है। और साइड में भी देखेंगे, अभी साइड में भी बहुत ही खूबसूरत दिया है। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिंगल चैनल ABS होता क्या है। सो दिस इज़ द सिंगल चैनल ABS सेंसर। तो सिंगल चैनल ABS यहाँ पे लगा हुआ है। सिंगल चैनल इन द सेंस ओनली ABS इज़ अवेलेबल इन फ्रंट टायर। सो रियर डिस्क पे ABS नहीं होगा। सो रियर डिस्क पे भी, सो रियर टायर में भी ये लोग ने डिस्क दिया है बट यहाँ पे ABS नहीं है। तो 150cc बाइक में ज़्यादातर ABS की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सिंगल चैनल ABS इज़ वेरी इनफ टू कंट्रोल द बाइक। और हैंडल बार का पोजीशन भी थोड़ा अपलिफ्ट किया है, तो लॉन्ग टूर्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा अपलिफ्ट हैंडल बार। और यहाँ पे जो कंसोल दिया है, किल स्विच भी चेंज किया है थोड़ा बहुत, और उसके नीचे है स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट स्विच, और ये वायर ऊपर दिया है FZ25 जैसा, बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे फ्रंट अपर एंड डिपर लाइट्स, साइड इंडिकेटर्स ऑन। और आप लोगों को और एक बड़ा मेजर चेंज आपको इस गाड़ी में दिखेगा, वो है सिंगल सीट। पिछले FZ में आता था स्प्लिट सीट और अभी इन्होंने दिया है सिंगल सीट, जो कि आप लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा आपकी टूरिंग और लॉन्ग राइड्स के लिए। तो दिस इज़ द वेरी वेरी गुड थिंग्स दे हैव चेंज। सो पीछे का लुक देखोगे तो अगर पीछे का लुक ऑलमोस्ट सेम ही दिया है, पीछे का टेल लाइट और फेंडर बिल्कुल सेम दिया है। और यहाँ पे बस थोड़ा सा एक चेंज किया है कि ये पूरा यूनिट हैंड ग्रिप वाला यूनिट है, वो पूरा सिंगल यूनिट है। बाकी अगर साइड में अगर देखोगे तो एग्जॉस्ट बिल्कुल सेम है। पीछे पे रियर डिस्क ब्रेक दिया है, रियर डिस्क ब्रेक बहुत ही अच्छा रियर डिस्क ब्रेक दिया है। एग्जॉस्ट सिस्टम टोटली सेम है। इंजन अगर इंजन की अगर बात की जाए तो ब्लू कोर टेक्नोलॉजी वाला इंजन सेम है, इंजन जो FZ वर्जन 2 में दिया था वही सेम इंजन यहाँ पे यूज़ किया है। बस खाली चेंज है ABS वाला, बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। मेजर चेंजेस बस सामने वाले पार्ट में, पीछे वाले के पार्ट में ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए उन्होंने। एंड गाड़ी बहुत ही एग्रेसिव लुक दे रही है आगे से भी और पीछे। हैंडल बार रेज की करके बहुत ही और बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है टूरिंग के लिए। सो दिस इज़ वेरी गुड बाइक फॉर टूरिंग ऑल्सो।
इसके ये गियर्स है वन डाउन फाइव अप, सो बहुत ही खूबसूरत लुक और टेक्नोलॉजी और FI इंजन के साथ दिया है। इंडिकेटर लाइट्स कंसोल में ही इंटीग्रेट किए दी है और बहुत ही फ्लेक्सिबल लाइट्स है, जब आप कभी भी गाड़ी गिरेगी तो ये टूटने का डर कम होगा। सो बहुत ही खूबसूरत लुक लग रहा है। पहले ये इंडिकेटर्स आते थे यहाँ पर, तो ये इंडिकेटर्स अभी ऊपर दिए हैं, कंसोल में ही ये लोग ने इंटीग्रेट किया है पूरा। आप लोग डिटेल में थोड़ा देख सकते हो सामने, बहुत ही रिजिड और फ्लेक्सिबल भी है, उसके साथ ही बहुत खूबसूरत है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा वो है मडगार्ड। ये मडगार्ड पल्सर NS200 वाला लुक देता है, पल्सर NS200 में सेम ऐसे ही मडगार्ड दिया है, बट ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिजिड लग रहा है। सारी गार्ड इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ये सारी गार्ड यहाँ पे दिया है, बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही खूबसूरत ये बाइक लुक रहेगा। तो इंडियन लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो भैया माइलेज कितना देती है? तो चलिए जानते हैं माइलेज और इसके प्राइस के बारे में। सर जी, सर इसका माइलेज कितना है? कंपनी ने माइलेज दिया है 65 का। ओके, और इसका प्राइस रेंज? इसका एक शोरूम प्राइस है 95,000 और एक FCS में आता है 97,000। इसमें दो वर्जन है, दो FCS और FCS। ओके, जो FCS जो है उसका 95 एक शोरूम रखा गया और FCS का 97,000 और नॉर्मल FC का 95,000 एक शोरूम प्राइस। सो अभी जानते हैं इसके कलर वेरियंट्स के बारे में। सो कौन से कलर में आती है? FCS में तीन कलर आते हैं, जैसे ग्रे कलर आता है, मैट डार्क आता है और हमारा ब्लू कलर, ऐसे तीन कलर आते हैं FCS में। FCS और FC में आते हैं दो कलर्स, एक ब्लू आता है जैसे ब्लैक, दो कलर। ओके, सो थैंक यू फॉर योर डिटेल्स। और अगर आप लोगों को कुछ भी अगर डिटेल्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके डिटेल्स डालूंगा और इनका नंबर अभी फ्लैश हो रहा है, आप इसमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, गाड़ी की प्राइस जान सकते हो और टेस्ट राइड लेके आप लोग इसको एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अभी सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड, तो देखते हैं कितना म्यूजिक अच्छा बजता है कान में। सो गाइज, ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करने जा रहा हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो उससे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मोहरी ऑटो के लिए, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उनका बाइक रिव्यू करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी डिटेल्स जाननी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दिया है, उनसे कॉन्टैक्ट करके टेस्ट राइड ले सकते हो। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए, RidingWaves_NS के साथ। मैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स मेरे डालते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। So guys, see you in next video. Till then, signing off, Riding Wave.